हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस पॉडकास्ट। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। तो शुरू करते हैं निफ्टी स्पॉट का एनालिसिस फ्रॉम मंथली चार्ट। तो आप मंथली चार्ट पे देख सकते हो कि ये सेकंड नेगेटिव मंथ है निफ्टी के लिए, और लास्ट मंथ भी हमने जो है तो अच्छा खासा दोनों साइड मूव देखी और फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग देखी थी। इस महीने भी जो है तो अच्छा खासा डाउन साइड देख चुके हैं हम, और नीचे से अच्छी खासी रिकवरी भी देख चुके हैं। तो ये सेकंड मंथली लॉस होगा अगर निफ्टी इस महीने जो है तो नेगेटिव में बंद होता है। तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो लॉन्ग टर्म व्यू ऐप है निफ्टी का, वो अभी है 10,200 के अराउंड। तो अगर निफ्टी में करेक्शन आता है मेजर ड्यू टू कोरोना वायरस और एनी अदर फैक्टर, तो 10,200 तक के लेवल जो है तो निफ्टी में आ सकते हैं इन लॉन्गर टर्म, अगर ये बीच के जो सपोर्ट्स है वो टूट जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ 13,800, 12,900, 11,400 और उसके बाद में जो है तो 10,200 ये सपोर्ट जोन है, और मेजर एवरेजेस का सपोर्ट जोन 10,000 के अराउंड है। अगर मेजर क्रैश आता है तो मुझे लगता है कि 10,000 के अराउंड अगर निफ्टी आता है तो बेस्ट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, या फिर उसके नीचे जो है तो वैल्यू बाय रहेगा निफ्टी विथ अ लॉन्ग टर्म होराइजन। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ने अच्छी खासी शुरुआत की थी, हमने ऊपर के लेवल भी देखे, उसके बाद में जो है तो प्रॉफिट बुकिंग देखी। अभी जो है तो निफ्टी 14,300 के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है। ये स्पॉट के लेवल है ना कि फ्यूचर के, तो आपको इसको जो है तो फ्यूचर के अराउंड अकॉर्डिंग टू आपको एडजस्ट करना पड़ेगा विथ प्रीमियम। तो 14,300 ये जो है तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि यहाँ जो है तो बॉटमिंग आउट प्रोसेस होगी शायद निफ्टी की। अगर 14,300 टूट जाता है तो हम 11,850 के जो लेवल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी पे, मगर फिलहाल के लिए तो वैसे कुछ संकेत दिख नहीं रहे। अगर ये टूट जाता है तो ही हम नीचे के लेवल देखेंगे। अभी मुझे लगता है कि 14,300 के अराउंड जो है तो निफ्टी बॉटम आउट होगा, और फिर जो है तो हम फ्रेश जर्नी स्टार्ट करेंगे जो जाएगी निफ्टी को लेकर 15,850 के लेवल की तरफ। तो 14,300 ये जो है तो लक्ष्मण रेखा रहेगा ऑन वीकली चार्ट। अभी देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ने जो है तो अच्छा खासा करेक्शन दिया, और जो मेजर एवरेजेस था उसको टच किया है, वहाँ सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। तो ये जो है तो ये शॉर्ट कवरिंग आगे जारी रह सकती है, और ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ बाय ऑन डिप्स भी रखना है शॉर्ट टर्म के व्यू से, और नीचे जो सपोर्ट रहेगा वो 14,250 का है, ये मेजर सपोर्ट। अगर ये टूट जाता है तो ही हम डाउन ट्रेंड में जाएंगे, उसके ऊपर जो है तो हम बाय ऑन डिप्स भी रखेंगे। जैसे ही 14,700 का लेवल टूटता है तो ये शॉर्ट कवरिंग जो है तो वो भी और शार्प होगी, और हम ऊपर के लेवल जो है तो निफ्टी में देख सकेंगे। तो हो सकता है कि निफ्टी जो है तो इस ले अभी जो ऊपर की तरफ जो 14,700 और नीचे जो है तो 14,250 इस जोन में ही कंसोलिडेट और कंसोलिडेशन और करेक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे उसको बॉटमिंग आउट करना है, इंडिकेटर को कूल ऑफ करना है। तो हो सकता है कि इस इन दो लेवल के बीच में ही निफ्टी घूमता रहेगा। अगर 14,700 टूट जाता है अच्छे खासे गेंद के साथ तो ही हम ऊपर की लेवल देखेंगे, अगर नहीं टूटता है तो हम एक बैंड में ट्रेड करेंगे जो नीचे 14,200-300 पे रहेगा, और ऊपर जो है तो 14,700-800 के इन बिटवीन रहेगा। तो आपको यहाँ जो है तो अच्छा खासा लेवल मिल रहा है और अच्छी खासी रेंज मिल रही है, और जब तक रेंज बाउंड मार्केट है तो अच्छा खासा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप हमको पिक्स मिलेंगे या फिर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। तो अगले हफ्ते के लिए मेरा व्यू रहेगा कि 14,700 टूट जाता है तो ही आपको लॉन्ग करना है। जैसे 14,700 या 750 टूट जाता है तो हम फिर से 15,200, 15,400 और 15,800 के लेवल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अगर ये नहीं टूटता है तो हम फिर से जो है तो 14,200 के तरफ करेक्शन करेंगे। तो आपको बेरिश रहना है 14,750 के नीचे, और बुलिश रहना है 14,750 के ऊपर। अगर 14,750 टूट जाता है तो हम 14,700 का कॉल ऑप्शन लेंगे विथ शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू, और उसका उसमें स्टॉप लॉस रहेगा 50% का, उसके टारगेट रहेंगे 15,200, उसके बाद में 15,400 और 15,800। अगर 15,800 पे जाता है तो उस ऑप्शन में हमको जो है तो 600-700 पॉइंट का मुनाफा हो सकता है अगर इसी एक्सपायरी में जाता है। तो अगर निफ्टी जो है तो 14,700
50 की लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है तो हम 14,700 या 14,800 का पुट लेंगे और उसका टारगेट रहेगा 14,250, तो उसमें जाए तो 200-250 पॉइंट का आपको गेन मिल सकते हैं। उसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगभग 50% का रखना पड़ेगा। तो ये रहा ऑप्शन का ट्रेड। फ्यूचर में भी उसी तरह से लेंगे, 14,750 के ऊपर लॉन्ग लेंगे और 14,750 के नीचे शॉर्ट ऑन राइज, सेल ऑन राइज व्यू या फिर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो आई होप सो कि ये व्यू जो है तो आपको अगले हफ्ते ट्रेडिंग में काम आ जाए और आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपके कुछ क्वेरी होगी तो वीडियो पे कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।